मॉस्को से गोवा आ रही रूसी एयरलाइन AZUR की फ्लाइट में सोमवार रात बम होने की सूचना मिली थी। देर रात पहुंची NSU की टीम ने 10 घंटे तक फ्लाइट यात्रियों और क्रू मेंबर्स के सामान की तलाशी ली, लेकिन तलाशी में ना तो बम मिला और ना ही कुछ संदिग्ध मिला। बम की खबर झूठी निकली। मंगलवार सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच फ्लाइट गोवा के लिए उड़ान भरेगी। आपको बता दें, फ्लाइट में बम की खबर मिलने के बाद फ्लाइट में गुजरात के जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। इसके चलते रात भर जामनगर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी रही। बम निरोधक गुजरात पुलिस और फायर ब्रिगेड सूचना मिलते ही एयरपोर्ट पर पहुंची थी। 244 यात्री और क्रू मेंबर्स को फ्लाइट से उतारा गया। इसके बाद वे एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे। फ्लाइट सोमवार दोपहर 11:30 बजे मॉस्को से गोवा के लिए उड़ी थी। रात 9:30 बजे के आसपास फ्लाइट में बम होने की खबर मिली, जो अब तक फ्लाइट भारतीय एयर स्पेस में प्रवेश कर चुकी थी। ये जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर आ गई। इसके बाद फ्लाइट को नजदीकी एयरपोर्ट जामनगर उतारने का फैसला लिया गया। 20 मिनट बाद रात 9:50 पर फ्लाइट की लैंडिंग हुई। 10 बजे तक सभी यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित निकाल लिया गया। फ्लाइट को रात 11 बजे गोवा पहुंचना था। गोवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेल के जरिए विमान में बम होने की सूचना मिली थी। हालांकि अब तक पता नहीं चल सका है कि मेल किसने और क्यों किया था। AZUR की इस फ्लाइट में 236 यात्री सवार थे। ये सभी रूसी नागरिक हैं।